दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कामाख्या मंदिर के कुछ हैरान कर देने वाली बातें। जब देवी सती अपने योग सती से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका शरीर काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर में माँ अम्बे की मूर्ति प्रतिमा या चित्र नहीं है, यहाँ मात्र एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है जिससे हमेशा ही जल का बहाव होता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। यहाँ योनि भाग के होने के कारण माँ का राजस्वला होता है। जहाँ पूरे भारत में मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है और लड़कियों को इस दौरान अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के बारे में ऐसा नहीं है। हर साल यहाँ अंबुयाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। इस दिन मंदिर का दरवाजा बंद होता है, फिर 3 दिन बाद धूमधाम से खोला जाता है। इस मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वह अन्य सभी शक्ति पीठों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का राजस्वरा होता है तब सफेद रंग का कपड़ा मंदिर में बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वह वस्त्र माता के रक्त से लाल रक्त से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुयाची वस्त्र कहा जाता है। इसको भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है।